गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू फिजिक्स प्रैक्टिकल। ऑब्जेक्ट ऑफ आवर प्रैक्टिकल इज टू डिटरमाइन द डायमीटर ऑफ वायर विद द हेल्प ऑफ अ स्क्रू गेज। हमारे आज के प्रयोग का उद्देश्य है स्क्रू गेज के द्वारा किसी तार का व्यास ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम स्क्रू गेज को समझने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं ये जो मेरे सामने अब ये भी जो आपके सामने है ये है एपरेटस स्क्रू गेज। स्क्रू गेज यहाँ पे लिखा हुआ है 0 to 25 mm, यानी कि ये 0 से 25 mm तक मेज़र कर सकता है। स्क्रू गेज में दो स्केल होते हैं, जैसे देखिए मैं यहाँ पे इसको मूव करते जा रहा हूँ तो देखिए यहाँ पर एक कुछ निशान दिख रहे हैं आपको, है ना। तो ये जो आपको दिख रहा है ये कहलाता है मेन स्केल, है ना। और यहाँ पर देखिए जब मैं इसको घुमाता हूँ तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आ रहा है 20, 15, 10, ये कहलाता है वृत्तीय स्केल यानी सर्कुलर स्केल। ये जो इसको मैं पकड़ा हुआ हूँ और मूव कर रहा हूँ इसे हम कहते हैं रैटचेट, है ना। जब ये स्क्रू पूरी तरह से टाइट हो जाता है तो इसमें इस तरह का कुछ साउंड होता है, ठीक है। स्क्रू गेज का ये वाला जो पार्ट है ये कहलाता है यू शेप्ड फ्रेम, है ना। ये इसका फ्रेम है, यू शेप का होता है। और इसके बाद फिर यहाँ पे जो ये सबसे आगे वाला पार्ट है ये इसको अपन बोलते हैं स्टड, ठीक है। अब देखिए हम प्रैक्टिकल करते हैं तो प्रैक्टिकल में अच्छा इसमें यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको, ये जो होती है ये मेन स्केल की बेस लाइन होती है, ठीक है। ये मेन स्केल की बेस लाइन है ना। तो जब अपन इसको अपन पूरी तरह से टाइट करते हैं तो अगर इंस्ट्रूमेंट आपका पूरी तरह सही है तो इसको टाइट करने पर ये ज़ीरो पे आकर रुक जाता है। अगर आपका इंस्ट्रूमेंट इसमें कोई एरर है तो ये ज़ीरो क्या होगा, ऊपर या नीचे हो जाएगा, है ना। अगर ज़ीरो बेस लाइन से पीछे रह जाता है तो उस कंडीशन में क्या होती है, उस कंडीशन में पॉजिटिव ज़ीरो एरर होती है। और अगर ये बेस लाइन से आगे निकल जाए ज़ीरो तो उस कंडीशन में क्या होती है, नेगेटिव ज़ीरो एरर होती है, ठीक है। चलिए तो अब हम तार लेते हैं, तार को इस तरह से मैंने इसके बीच में रखा और यहाँ पर रेड चेट को पकड़कर मैं इसको टाइट कर रहा हूँ। तो देखिए ऐसा साउंड आ गया, यानी कि अपन यहाँ पे अपन मेज़रमेंट ले सकते हैं। तो हम देखते हैं कि मेन स्केल के कितने भाग हमको दिख रहे हैं। मेन स्केल के दो भाग दिख रहे हैं, मतलब इसकी रीडिंग क्या हो गई, 0.2, ठीक है, सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं कि सर्कुलर स्केल का कौन सा वाला भाग मेन स्केल के बेस लाइन के सामने है। तो हम देखते हैं यहाँ पर 44 नंबर का जो पार्ट है वो बेस लाइन के सामने है, ठीक है। तो देखिए अब हम रीडिंग लेने के बाद कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर लीस्ट काउंट यानी अल्पतमांक के लिए फॉर्मूला होता है पिच ऑफ द स्क्रू, स्क्रू की पिच जो कि 0.1 सेंटीमीटर होती है, और टोटल उसको डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, यानी कि वृत्तीय जो स्केल है उसके भागों की संख्या से। एक वृत्तीय स्केल में टोटल कितने पार्ट होते हैं, 100 पार्ट होते हैं ना, 100 भाग होते हैं। तो उससे डिवाइड किया तो इसका अल्पतमांक यानी लीस्ट काउंट आ गया 0.001 सेंटीमीटर। अब डायमीटर के लिए इस तरह से हम एक टेबल बना लेते हैं। इसमें पहले नंबर पे सीरियल नंबर है, फिर मेन स्केल की रीडिंग है। मेन स्केल की रीडिंग 0.2 आई थी हमारी,
सर्कुलर स्केल पे 44 पार्ट आ रहा था इसके सामने बेस लाइन पे, उसको हमने लीस्ट काउंट यानी अल्पतमांक से गुणा किया तो ये आ रहा है 0.044। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं तो हमें फाइनल रीडिंग मिल जाती है 0.244। अब तार पर अलग अलग जगह पर हम रीडिंग लेते हैं, तो जैसे हमने तीन रीडिंग ली हुई है तो ये रीडिंग आई है 0.244, 0.246, 0.242। अब इनका अपन क्या करते हैं, मीन निकाल लेते हैं, औसत निकाल लेते हैं। 0.244, 0.246 प्लस 0.242, इनको प्लस करके 3 से डिवाइड कर देते हैं क्योंकि हमने 3 रीडिंग्स ली। तो ये यहां पर डायमीटर आ गया है, डायमीटर आ गया 0.244 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारे पास जो हमारा इंस्ट्रूमेंट था उसमें कोई जीरो एरर नहीं थी, अगर जीरो एरर होती तो उसको प्लस या माइनस कर लेते जो भी साइन होता उसका, है ना। पॉजिटिव जीरो एरर होती तो प्लस कर देते, नेगेटिव होती तो माइनस कर देते। ठीक है, और जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसको अपन स्ट्रट पे कसते हैं तो ये ध्यान रखना है कि रेड चेट को पकड़ के कसना है उसको, और अगर उसमें आवाज आती है कट कट की उसके बाद फिर अपन को और ज़्यादा नहीं कसना है। ठीक है, तो इस प्रैक्टिकल को आप करके देखें और अपनी कॉपी में नोट करें।